जो पेरेंट्स प्राइवेट वाहनों से अपने बच्चों को लेने जाते हैं उनके वाहन, इन सभी के लिए जितनी अंदर स्पेस उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें ताकि बाहर ट्रैफिक जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो और उस उन वाहनों के लिए अंदर पार्किंग मिल जाए। ये कोशिश सभी स्कूल से करने को कहा गया है। इसके अलावा इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो डिसिप्लिन, जो मैं पेरेंट्स से उम्मीद करता हूँ। हम बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजते हैं, डिसिप्लिन भी उस शिक्षा का एक अंग होता है। हमको पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों के समक्ष अच्छा डिसिप्लिन ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो सभी पेरेंट्स को बहुत डिसिप्लिन तरीके से बाहर ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, उनको ट्रैफिक जाम का कारण नहीं बनना चाहिए। ये एक सेंसिटिविटी हम हर पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति वाहन को खड़ा करके वहां से गायब हो जाते हैं, लोग अंदर चले जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, देखा जाता है कई बार 15-20 मिनट 30 मिनट तक बाहर लोग वेट करते रहते हैं उस गाड़ी के हटने का, और वो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अंदर गया हुआ है। ऐसे केसेस में बहुत सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी वाहन स्कूल प्रमाइसिस के बाहर में खड़ा हुआ रहता है और वो ट्रैफिक जाम का कारण बनता है, ऐसे केस में बहुत सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। स्कूल्स को अपने स्कूल प्रमाइस के बाहर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की स्थापना करनी है, जिसमें कि वो वीडियो कैप्चरिंग करें कि कहां पर कौन व्यक्ति किस प्रकार से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है या कहां पर जाम लगने वाला है, वो वहां पर वीडियो कंट्रोल होगा। और उसके बाद में वहीं से अनाउंसमेंट भी वो लोग करते रहेंगे। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम वहां बनाया जाएगा, जिसमें हर विद्यालय वहां पर लाउड स्पीकर्स के माध्यम से पब्लिक को एड्रेस करेगा बाहर। तो एक नोडल अधिकारी रहेगा, उसके पास सारा डाटा रहेगा, कौन से वाहन का स्वामी कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, जिससे कि इन केस अगर कोई भी वहां पर वाहन खड़ा करके अंदर स्कूल से आ जाता है और बाहर जाम लग जाता है, कई बार 20-30 मिनट लग जाते हैं वहां उस व्यक्ति को वापस पहुंचने में और इतनी देर बाकी लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। वो हमारे ट्रैफिक के जो कर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी हैं, उन लोगों को सहयोग करने के लिए कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल का भी डिप्लॉयमेंट उन लोगों को करना है।